नमस्कार। आज करवा चौथ का त्यौहार है और शाम का समय है, यानी अब से करीब 2-3 घंटे बाद महिलाएं अपने घरों में जाकर तैयार होंगे और चांद के दर्शन करने के बाद अपने पति की पूजा करेंगी और उसके बाद व्रत खोलेंगी। यह त्यौहार महिलाएं अपने सुहाग के लिए रखते हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और आज के दिन नहीं बल्कि पिछले 5-7 दिन से लगातार इस त्यौहार को लेकर महिलाएं बाजार जाती हैं, खरीदारी करती हैं। ऐसे में आज इस खास त्यौहार के मौके पर हम उन महिलाओं से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे जो किसी भी त्यौहार को मनाने के साथ साथ अपना कर्तव्य निभाती हैं, अपनी ड्यूटी निभाती हैं। साथ ही इस ड्यूटी के चलते इनको ये गर्व है कि हम लोग हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की और यहाँ की जनता की सेवा करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान पुलिस की जाबाज महिला कांस्टेबल और महिला अधिकारियों की, जो आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन के पीछे आपको नजर आ रहे हैं। ये हर त्यौहार, चाहे तीज हो, गणगौर हो, होली हो, दीपावली हो, 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, ड्यूटी करते हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। हमारे साथ बाड़मेर महिला थाने के में कार्यरत सुमन बुंदेला जी हैं, जो पिछले लंबे समय से पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। सुमन जी, करवा चौथ त्यौहार की सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि यह त्यौहार विशेषकर महिलाओं का माना जाता है। किस प्रकार से आप लोग तैयारी करते हैं इस त्यौहार को और कैसे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि कुछ घंटे बाद करवा चौथ का व्रत खोलने वाले हैं सब लोग महिलाएं। कहीं ना कहीं आपके जो जवान हैं, आप लोगों में ये है कि भी हम भी जाएं घर या पूजा करें, व्रत छोड़ें? सर, ऐसा है कि जैसे मान लो कि त्यौहार हमें पता रहता है कि कल है, तो हम उससे एक दिन पहले सारा हमारा सामान सब कुछ लाना, खरीदारी करना एडजस्ट करते हैं, ताकि जिस दिन त्यौहार हो हम अच्छे से अपनी ड्यूटी कर सकें, सभी महिलाएं अपनी खरीदारी आराम से शांतिपूर्ण कर सकते। और त्यौहार बीतने के जब अगले दिन जब न्यूज़ छपती है कि सभी कुछ शांतिपूर्ण संपन्न रहा, तो हमें इस चीज से बहुत सुकून मिलता है। उस समय आपको मिलता है कि हाँ, हमारा त्यौहार सही गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब होली, दीपावली या कोई भी त्यौहार होता है तो आप लोग उसके दूसरे दिन ही त्यौहार मना पाते हैं। जब आप ड्यूटी पर होते हैं, लोग त्यौहार मनाते हैं, अपने घर में खुशियां मनाते हैं, तब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार, काश हम भी इस तरीके से मनाते होते, या फिर आपको गर्व होता है कि नहीं, ये त्यौहार हमारी वजह से ही सुरक्षित रूप से मना। जी सर, इस पे देखो, जब फोर्स में भर्ती हुए थे तब हमें ये सब चीज़ें पता रहती है। अब तो क्या है कि काफ़ी टाइम जब हमें बीत जाता है फोर्स में, तब हमारे मन में ये आती है कि ना सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हो, तो हमें इस पे ये चीज़ अच्छी लगती है और हमें प्राउड फील होता है कि हम फोर्स के पार्ट हैं। निश्चित रूप से कुछ महिला कांस्टेबल्स भी हैं। मैम, कब से ड्यूटी कर रहे हैं आप? मैं 2008 से भर्ती हूं। 2008 से किस प्रकार से त्यौहार मनाते हैं और आज करवा चौथ का त्यौहार है, कितने एक्साइटेड हैं घर जाने के लिए? हम कैसे मनाते हैं ये तो मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी वजह से हमारी बहनें या हमारी भाभियां जो है, माताएं हैं, वो कैसे मनाती त्यौहार, ये मायने ज़्यादा रखता है। तो हमारा टारगेट यही होता है कि हमारी वजह से हमारी बहनें हैं वो त्यौहार सेफ मनाएं। और त्यौहार मनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अपन घर पे रहें और पति का मुँह देख के ही त्यौहार को खोला जाए। ये तो एक पति के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आस्था होती है, तो वो जरूरी नहीं। फौजी भाइयों की भी तो बीवियां हैं, वो भी तो अपने घर पे त्यौहार मनाती हैं। आप देखिए, यही सोच है और इसी सोच के चलते इनको सैल्यूट किया जाता है। हमारे साथ एंटी रोमियो स्क्वाड के भी कुछ जवान हैं। मैम, कितनी देर में घर जा रहे हैं त्यौहार मनाएंगे, और क्योंकि कितने एक्साइटेड भी हैं आप लोग इस त्यौहार को लेकर? बहुत, मन तो बहुत करता है, ड्यूटी भी करनी जरूरी है। ड्यूटी करने के बाद जब टाइम मिलता है तभी मना लेते हैं, घर जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। अब फास्ट भी रखते हैं आप लोग, सब लोग त्यौहार रखते हो? हाँ, वो तो क्या है, हम ड्यूटी से जाते हैं तो विधि विधान जो करना है वो फास्ट से कर लेते हैं, कहीं कॉल नहीं आ जाएगी किसी की। तो मन में ये तो रहता है कि भी हाँ, कहीं से कॉल आएगा फिर हमें ड्यूटी करने के लिए भी जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो रहता ही है मन में, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी है। निश्चित रूप से मिर्गो जी, एंटी रोमियो स्क्वाड टीम में आप, और आज महिलाओं का त्यौहार है और महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के लिए आपको तैनात किया गया पुलिस की ओर से, कितना गर्व महसूस करते हैं अपने आप? बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हम इस खाकी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, महिलाओं की सेफ्टी, लड़कियों की सेफ्टी, और त्यौहार के साथ साथ हमारी भी ड्यूटी, हमारा भी व्रत खोलना करना, विधि विधान करना और बच्चों की देखभाल सब करते हैं, और ट्रैफिक का भी ध्यान रखते हैं, सबको बताते हैं कि भी हेलमेट के बिना नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं आप तमाम उन बहनों को कहना चाहेंगे अपने अपने पति से किस प्रकार से वादा लें आज के त्यौहार के दिन? सबसे ज्यादा पहले यही है कि आप जब भी टू व्हील पे निकलते हैं तब हेलमेट लेना जरूरी है। मैं आखिर में मैम से एक अपील लेना चाहूंगा तमाम उन बहनों के लिए, और जो आज का दिन त्यौहार मना रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे तमाम उन बहनों के लिए विशेष रूप से? घर में क्या होता है सर कि जो जेंट्स लोग होते हैं, हस्बैंड हो, फादर हो, भाई हो, महिलाओं की बात ज़्यादा सुनते हैं, तो हम ये राजस्थान पुलिस की तरफ से उनके लिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि जब भी बहन है तो अपने भाई को
अपने फादर को और अपने हस्बैंड वगैरह को ये कहे कि ना आज एक व्रत दो मुझे इसके साथ में कि वो जब भी टू व्हीलर पे निकलेंगे हेलमेट लगाएंगे और जब भी फोर व्हीलर पे निकलेंगे सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करेंगे ताकि उनकी उम्र लंबी हो सके। बिल्कुल, करवा चौथ इसीलिए मनाया जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र हो, सुहाग के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस की ओर से भी ये अपील की गई है कि आप लोग जब भी महिलाएं व्रत रख रही है आज के दिन, उस दरमियान अपने पति से ये वादा जरूर लें कि आप अपने वाहन चलाएं, तब सड़क सुरक्षा जो अधिनियम है, नियम है, उनकी पालना करें। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जाबांज महिला पुलिस जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो किस रूप से, किस प्रकार से तमाम उन लोगों की मदद करती हैं, उनकी सेवा करती हैं जो लोग घर में रहकर सुरक्षित तरीके से त्यौहार मना पाएं।